Hello everyone, my name is Harshpreet Kaur Dhiman and in this video we are going to talk about the chapter number 5 of class 12th history. ये जो chapter है वो book number 2 का सबसे पहला chapter है और अब हम शुरू करने वाले हैं medieval history. ठीक है, medieval means जो middle की Indian history है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. हमने चार chapter पहले पढ़ लिए जो कि एंशंट हिस्ट्री के थे, है ना. एंशंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करते थे, बहुत पुराने समय की बात करते थे. अब हम आने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री के अंदर. अब ये जो चैप्टर है यहाँ से मेडिवल हिस्ट्री का दौर शुरू हो रहा है और इस चैप्टर को नया नाम दे दिया गया है मेडिवल सोसाइटी थ्रू ट्रैवलर अकाउंट्स. ठीक है, ट्रैवलर्स जो एक तरह से यात्री जो होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा लिखे हुए जितने भी हमें डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनके अकॉर्डिंगली हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी मेडिवल सोसाइटी इंडिया की कैसी थी, हमारा समाज कैसा था. जो एक्चुअल में नाम है चैप्टर का जो कि एनसीईआरटी बुक में गिवन है वो है थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स. और ये जो चैप्टर है वो बेस्ड है एक टाइम पीरियड में जो कि 10th to 17th century का टाइम पीरियड है. 10th century का मतलब क्या होता है, देखिए 10 लिखिए, ठीक है, दो जीरो डाल दो, उसके बाद 10 से पहले क्या आते हैं, 9 आते हैं और 01 डाल दो, तो 901 ईयर से लेके 1000 ईयर तक जो टाइम पीरियड है दैट इज 10th century. 17th century का क्या मतलब हुआ, 17 डालो, दो जीरोस डालो, 17 से पहले आते 1601, ये हो गया आपकी 17th century. तो आप 901 से लेके 1700 के टाइम पीरियड के बीच में पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या हो रहा था. एक्चुअल में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग हो रही थी. ट्रैवल करते क्यों हैं लोग, इसके चार रीजंस होते हैं ओवरऑल. नंबर वन है कोई अपनी जॉब के लिए ढूंढ रहा है, ठीक है, कोई भी जॉब करनी है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है उसकी कंट्री में. कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया हो, कोई ऐसी जैसे नेचुरल कैलमिटी आ जाए, अर्थक्वेक हो जाए, फ्लड आ जाए, तो लोग जो है ट्रैवल एक दूसरी जगह पे जाना शुरू कर देते हैं, सेफर जगह पर जाना शुरू कर देते हैं. कोई जॉब उनकी ऐसी है वो मर्चेंट हैं, ठीक है, ट्रेडर हैं, बाहर उन्हें जाना पड़ता है. अगर सोल्जर हैं वो तो इसलिए, कई लोग ट्रैवल इसलिए करते हैं क्योंकि वो उन्हें एडवेंचर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो एडवेंचर के लिए भी लोग जो हैं वो ट्रैवल करते हैं. अब देखिए जो हमारे ट्रैवलर्स जिनके अकाउंट से हम मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या हमें बताते थे. They used to tell us about the unusual and remarkable things. ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो कि किसी ने बताई ना हो, जो उन्हें पता ना हो और ऐसे लगे कि ये तो बड़ी अजीब बात है, या फिर कोई बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, उन्होंने ये चीज़ें जो हैं अपने अकाउंट में बताई हैं. जैसे कि कोर्ट अफेयर्स के बारे में बताया किसी किसी ट्रैवलर ने कि जो राजा का दरबार है उसमें क्या क्या चलता था. रिलीजियस इशूज़ के बारे में बताया है और आर्किटेक्चर मतलब मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारतें वगैरह का डिस्क्रिप्शन दिया है. आर्किटेक्चर के बारे में जिस एक पर्सन ने लिखा है वो है अब्दुल रजाक समरकंती. ठीक है, अब्दुल रजाक ने जो है विजयनगर टाउन के बारे में लिखा है जो कि हम 7th chapter में पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे. ठीक है, अब्दुल रजाक समरकंदी जो है वो हेरत नाम की जगह से आए थे और ये 15th century के ट्रैवलर हैं. 15th century कैसे लिख सकते हैं, 1500 1401. ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे जो ट्रैवलर्स हैं इसमें हम मेनली तीन ट्रैवलर्स की बात करने वाले हैं. सबसे पहले हैं अल बिरूनी, ठीक है, दूसरे हैं इबन बतूता, तीसरे हैं फ्रेंकोइस बर्नियर. अल बिरूनी जो हैं वो उज़्बेकिस्तान के हैं, जो इबन बतूता हैं वो मोरक्को के हैं. आप याद रख सकते हो इबन बतूता को मोर जो पीकॉक हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये मोरक्को के हैं. फ्रेंकोइस बर्नियर एफ से शुरू हो रहा है तो ये फ्रांस के ही हैं. ठीक है, इतना देख लो, फ्रेंकोइस और फ्रांस में सब कुछ सेम ही है ऑलमोस्ट. उसके बाद देखिए आपका ये जो है 11th century के आपके ट्रैवलर हैं, ये 14th के हैं और ये 17th के हैं. 11 से शुरू करोगे 3+ कर दो, इधर 3+ कर दो, ठीक है, तो यहाँ आया 11+3 14th century के इबन बतूता ट्रैवलर हैं. +3 करोगे फ्रेंकोइस बर्नियर जो हैं वो 17th century के ट्रैवलर हैं. इनकी खास बात ये है कि ये जो ट्रैवलर्स हैं वो डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हमारी रोज़मर्रा की बातें होती हैं उनके बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं.
वेयर एज जो हमारे इंडिया के ट्रैवलर्स थे या फिर अकाउंट्स थे उसके अंदर ज्यादातर बहुत ज्यादा हाई लेवल के लोगों के बारे में लिखा गया था, पर ये ऐसे लोग थे जो कि डे टू डे एक्टिविटीज को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे अपनी राइटिंग्स में। ये जो वीडियो है वो हम डिवोट करने वाले हैं सबसे पहले ट्रैवलर को, जो कि है अल बिरूनी। इन्होंने एक किताब लिखी थी, किताब उल हिंद, ठीक है, इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। पहले समझते हैं अल बिरूनी कौन थे। सबसे पहला टॉपिक जो है अल बिरूनी के बारे में वो है फ्रॉम ख्वारिज्म टू पंजाब, ठीक है। ये ख्वारिज्म से पंजाब में जाते हैं, कैसे जाते हैं हम वो पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता है अल बिरूनी जो है वो उज़्बेकिस्तान के रहने वाले थे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है ये है कौन। ये उज़्बेकिस्तान के अंदर एक ख्वारिज्म नाम की जगह थी, ख्वारिज्म से बिलोंग करते थे। आप देख सकते हो ख्वारिज्म से पंजाब जा रहे हैं ये। इनका जो बर्थ है वो 973 के अंदर हुआ था, मतलब 973 CE के अंदर हुआ था, ठीक है। अगर CE और BC का कंसेप्ट नहीं पता तो आपको फर्स्ट कमेंट में एक मिल जाएगा लिंक, ठीक है, वहां से आप देख सकते हो। बिल्कुल स्टार्टिंग में समझा रखे है CE और BC क्या होते हैं, और आपको ये जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा ताकि आप सारी जो आगे पीछे की वीडियोस हैं वो उनका एक्सेस कर सको। अब देखिए 973 के अंदर इनका जन्म होता है। ये काफ़ी एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इन्हें काफ़ी सारी लैंग्वेजेस भी आती हैं। तो कैसे याद करोगे कौन कौन सी साफ लैंग्वेज आती थी, मतलब इन्हें काफ़ी साफ क्लियर सा कंसेप्ट सारी लैंग्वेजेस का पता था। ये एस जो है वो सीरिया लैंग्वेज थी, इन्हें सीरिया की लैंग्वेज आती थी। एस फॉर संस्कृत आती थी, ए फॉर अरेबिक आती थी, पी फॉर पर्शियन एंड एच फॉर हिब्रू। साफ लैंग्वेज सीरिया, संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन एंड हिब्रू इन्हें आती थी, परंतु इन्हें ग्रीक लैंग्वेज जो है वो नहीं आती थी। तो इन्होंने क्या किया कि ग्रीक लैंग्वेज के जितने भी हमारे फिलोसोफर्स हैं, जैसे कि प्लेटो जैसे फिलोसोफर्स के अकाउंट जो है वो अरेबिक के अंदर जो है ट्रांसलेट कर रखे थे। मतलब जैसे प्लेटो ने जो भी ग्रीक भाषा में लिखा है उसे दूसरे लोगों ने जो है अरेबिक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये क्या करते थे, अरेबिक वो प्लेटो के भी ग्रीक चीजें इन्हें पता थी क्योंकि ये अरेबिक को पढ़ पाते थे। तो ये सारी जो है इनकी लैंग्वेजेस हैं। अब क्या होता है, देखो कैसे याद रख सकते हो आप 1000 को याद रखो, 1000 से इधर 17 ईयर्स जाओगे तो इनका बर्थ हुआ था, और 17 ईयर्स इधर जाओगे तो क्या हुआ, 1017 CE के अंदर क्या होता है कि बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। अब क्या है, जो आपका ख्वारिज्म है, ठीक है, ख्वारिज्म के ऊपर इन्वेजन हो जाती है। मतलब कि जो आपका एक सुल्तान महमूद है, जो उन्होंने जो है ख्वारिज्म को अपने अंडर कर लिया था, ठीक है। अब ये जो सुल्तान महमूद है इन्होंने क्या करा, अपने साथ काफ़ी सारे ऐसे जो बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं, राइटर्स हैं, ठीक है, इन्हें अपने साथ लेकर गए ये कहाँ पर, गजनी के अंदर। गजनी एक जगह है, ठीक है। तो साथ में ही अल बिरूनी को भी पकड़ लिया कि चलो मेरे साथ, ठीक है। तो गजनी में जाना पड़ा उनको, तो इन्हें गजनी जो सिटी है वो बहुत अच्छी लगी अल बिरूनी को। तो क्या होता है कि जब इनकी डेथ होती है, जब ये 70 ईयर्स के हो जाते हैं तब इनकी डेथ हो जाती है अल बिरूनी की। तो अल बिरूनी को इतना अच्छा लगता है यहाँ पर रहना कि ये अपनी डेथ तक, मतलब जब ये 70 ईयर्स के हो जाएंगे तब तक ये गजनी के अंदर ही रहते हैं। अब क्या होता है कि ये जो सुल्तान महमूद है हमारे, वो मतलब ऐसे बहुत एक्सपेंशन कर रहे थे, तो गजनी में रहते रहते इंडिया की भी अंदर जो है ये गाजनाविद एम्पायर जो है वो फैल रही थी। अब क्या हो रहा है कि आपकी जो अल बिरूनी है उनका इंटरेस्ट जो है वो इंडिया की तरफ ज्यादा जाने शुरू हो गया था। तो क्या हुआ कि इंटरेस्ट इनका संस्कृत की, काफी सारे इन्होंने देखे कि बहुत अच्छी चीजें लिखते हैं इंडियंस, तो जैसे मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स के अंदर इन्होंने काफी काम कर रखा है संस्कृत में, तो मुझे भी पढ़ना है। अब क्या होता है कि टाइम के साथ साथ ये जो महमूद, सुल्तान महमूद हैं जिनकी गाजनाविद एम्पायर है, वो जो है काफी एक्सपेंशन कर रहे थे। तो पंजाब जो कि हमारा था, इंडिया का था, मतलब पाकिस्तान साइड का पंजाब भी पहले हमारा ही होता था ना, अब थोड़ा पंजाब हमारे पास है। तो ये जो पंजाब है वो गाजनाविद एम्पायर के अंडर आ गया। तो क्या हुआ, ये जो आपके अल बिरूनी है वो क्या है, उधर जाकर भी इंटरेक्शन करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो ये अल बिरूनी जो है वो ज्यादातर आपके ब्राह्मण्स के साथ रहने लग गए, स्कॉलर्स से इन्होंने संस्कृत सीखी, ठीक है। तो अल बिरूनी जो है आपके, ये मेनली संस्कृत के ऊपर सब कुछ बेस्ड है, इनका जितनी भी ये लाइफ स्टोरी है ना ज्यादा संस्कृत के ऊपर बेस्ड है।
तो स्कॉलर से इन्होंने संस्कृत सीख ली, रिलीजियस और फिलोसफिकल टेक्स्ट ये जो पढ़ना इन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, तो एल बिरूनी जो है आपके, अब मैं सिर्फ बिरूनी बोलूंगी, जो बिरूनी है आपके वो पंजाब में भी घूम आए थे, नॉर्थ इंडिया में भी घूम आए थे, और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे। जो रिवर वोल्गा है जो कि रशिया के अंदर पड़ती है, ठीक है, वहाँ से लेकर अफ्रीका का जो सारा डेजर्ट है सारे कहीं घूम के आए हुए थे ये, तो काफ़ी बड़े ट्रैवलर थे, तो इन्हें बहुत समझ भी थी। और अब ये क्या कर रहे थे, संस्कृत इन्हें आ गई थी, ठीक है, तो क्या कर रहे थे कि जो संस्कृत के जितने भी टेक्स्ट थे काफ़ी सारे, जिसके अंदर इंक्लूड होता है पतंजलि, जो कि एक ग्रामर का काम है, ठीक है, पतंजलि को इन्होंने अरेबिक लैंग्वेज, जो ग्रीक है आपकी लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज के एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम यूक्लिड था, ठीक है, ई यू है ये, यूक्लिड था, इन्होंने यूक्लिड का जो ग्रीक काम था वो संस्कृत में जो है वो ट्रांसलेट किया था। तो आप देख सकते हो ये ट्रांसलेशन का काम कर रहे थे, संस्कृत का काम अरेबिक में जैसे पतंजलि को, ग्रीक का काम संस्कृत में जैसे यूक्लिड के कामों को इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया था। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है बिरूनी के बारे में, वो क्या है, द किताब उल हिंद। किताब उल हिंद क्या है, एक किताब है, एक बुक है, रिटन बाय अल बिरूनी। अल बिरूनी जो है आपको पता है कि अरेबिक लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा जानते हैं, तो इन्होंने ये जो बुक है वो अरेबिक में ही लिखी थी, ठीक है। अब आपको पता है कि किताब के अंदर हिंद शब्द आ रहा है, अब हम पहले हिंद शब्द का मतलब समझ लेते हैं। जो हिंदू शब्द है ना, एक्चुअल वे में वो पर्शियन लैंग्वेज से लिया गया है, ओल्ड पर्शियन। पर्शिया क्या होता है, पुराना जो ईरान है ना हमारा, उसे पर्शिया बोलते हैं। अब जो हिंदू है वो पर्शियन लैंग्वेज से लिया गया है, और जो आपका पर्शियन लैंग्वेज है वो इंडस रिवर को सिंधु नदी बोलते थे, ठीक है, तो सिंधु हिंदू सेम सा हो गया, तो जो हिंदू शब्द है वो सिंधु से लिया गया है। जो अरब हैं वो क्या करते थे कि ये जो सिंधु नदी है ना, इसे अल हिंद बोलते थे, ठीक है, अरब्स, और इसके आसपास रहने वाले लोगों को हिंदी बोलते थे। फिर जब टर्क्स आए हमारी कंट्री में, टर्क्स जो हैं इस एरिया को हिंदुस्तान बोलना इन्होंने शुरू कर दिया, लोगों को हिंदू बोलते थे, इनकी लैंग्वेज को, हमारी लैंग्वेज को हिंदावी बोलते थे। तो आपको ये याद रखना है कि पर्शियन वर्ड से निकला है सिंधु शब्द, हम यूज़ किया करते थे इंडस रिवर। जैसे आपका मान लो ये जो है वो इंडिया है, ठीक है, इधर आपको पता है इंडस रिवर चल रही है, तो इंडस रिवर जब इधर को जाती थी तो ये इंडस रिवर पड़ती थी बीच में, तो पहले तो पर्शियन लोगों ने इसे सिंधु बोला, सिंधु से अरब लोगों ने हिंद वर्ड निकाल लिया, अल हिंद बोलना शुरू कर दिया इस जगह को, ठीक है। टर्क्स जो है वो हिंद से हिंदुस्तान बना दिया इस जगह को, लोगों को हिंदू कहा, और लैंग्वेज जो बोल रहे हैं हम उसे हिंदावी बोला गया, ठीक है। ये जो है एक्चुअल में हिंदू शब्द जो है वो रिलीजियसली ज़्यादा कुछ डिनोट नहीं करता, ठीक है, वो तो आगे आने वाले समय में रिलीजन बन जाता है हिंदू रिलीजन, पर स्टार्टिंग में एज सच कुछ रिलीजन से रिलेटेड नहीं था ये, ठीक है। तो ये आपने हिंदू की हिस्ट्री देख ली। अभी ये जो किताब उल हिंद है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, अरेबिक में लिखी गई है, काफ़ी क्लियर शब्दों में लिखा गया है। इस पूरी बुक को 80 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, और ये काफ़ी वॉल्यूमिनस है, बुक काफ़ी बड़ी है, मोटी है, ठीक है। अब देखो ये जो बुक है इसमें बहुत सारी, ये जो 80 चैप्टर्स लिखे गए हैं वो बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में लिखे गए हैं, जैसे मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी का मतलब है साइंस ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, तो मेजरमेंट के बारे में काफ़ी सब कुछ लिख रखा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या है, फिलॉसफी से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए, ठीक है, फिलॉसफी से रिलेटेड है। सोशल लाइफ इसमें बहुत सारी बता रखे है कि सोशल लाइफ ऐसे ऐसे हुआ करती थी। रिलीजन के बारे में है, फिलॉसफी के बारे में है, तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। अब जो आपके अल बिरूनी हैं वो क्या करते थे किताब उल हिंद के अंदर, पहले ये हर एक टॉपिक का एक क्वेश्चन पूछते थे, इंट्रोडक्शन में एक क्वेश्चन लिखते थे, ठीक है, कि ऐसा क्यों है, ऐसा ये वो, ठीक है। उसके बाद ये डिस्क्राइब करते थे, क्या डिस्क्राइब करते थे, ये संस्कृत ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंगली ना, SKT लिखा है ये, संस्कृत ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंगली ये सिचुएशन को डिस्क्राइब करते थे कि इंडिया में हो क्या रहा है, क्योंकि इन्हें संस्कृत बहुत ज़्यादा प्यारी है ना, पास वाली संस्कृत है। और उसके बाद ये एंड में क्या करते थे, एज अ कंक्लूजन, ये इंडिया और बाहर के ट्रेडिशंस, मतलब कि बाहर की कंट्रीज के ट्रेडिशन को कंपेयर कर देते थे। तो ये काफ़ी उनका ये एक तरह से स्ट्रक्चर था जब भी वो कुछ भी लिखते थे। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या करा था, संस्कृत प्राकृत, ठीक है, प्राकृत जो है
संस्कृत जैसी भाषा है, ठीक है, प्राकृत और पाली के टेक्स्ट को इन्होंने अरेबिक में जो है ट्रांसलेट कर दिया था, ठीक है। ये हो गया किताब उल हिंद। अब हम आते हैं फोर्थ टॉपिक पे, ठीक है। चैप्टर को ना थोड़ी गलत तरीके से डिवाइड किया गया है बुक के अंदर। आप अगर आएंगे आपके पेज नंबर 124 पे ना, फिर से जो है अल बिरूनी के बारे में बताया जाएगा। तो 124 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि बीच में दूसरे ट्रैवलर्स को डाल दिए, तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए इस पूरी वीडियो में हम सिर्फ अल बिरूनी को पढ़ेंगे। अगले में हम इबन बतूता पढ़ेंगे, अगले में हम फ्रैंकोइस बर्नियर पढ़ेंगे, तो कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अब आपका जो पेज नंबर 124 है उस पर फोर्थ टॉपिक है मेकिंग सेंस ऑफ एन एलियन वर्ल्ड, ठीक है। आप कहीं पे भी जा रहे हो नई जगह पे, तो वहां पर बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं। लोगों का कल्चर अलग होता है, भाषा अलग होती है, एनवायरमेंट अलग होता है, ठीक है, सारी चीजें अलग होती हैं, तो एलियन वर्ल्ड इसलिए बोला गया है। और अल बिरूनी ऑन द सांस्कृतिक ट्रेडिशंस, तो आपने देख लिया कि अल बिरूनी की लाइफ एक्चुअल में बहुत ज्यादा संस्कृत से रिलेटेड है। पहले तो वो बहुत एजुकेटेड थे, उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेज सीख ली थी। फिर 1017 के अंदर जो है महमूद, जो आपकी महमूद हैं, वो आपकी ख्वारिज्म के ऊपर कर लेंगे अपना अटैक, ठीक है, उसे जीत लेंगे। फिर ये आ जाते हैं गजनी, गजनी से ये पंजाब जाते हैं, वहां से संस्कृत सीखते हैं, परंतु संस्कृत सीखने में इन्हें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ये मेरे बोर्ड के एग्जाम में आया था क्वेश्चन कि कौन कौन से बैरियर्स जो हैं उन्हें बीच में आ गए, ठीक है, क्या क्या अड़चने आई कि वो संस्कृत सीख लें। देखिए, तीन बैरियर्स हैं। सबसे फर्स्ट है कि काफी अलग तरीके की भाषा है, ठीक है, बहुत आसान भाषा तो है नहीं ये, जो कि इन्हें साफ भाषा आती थी ना उसमें से अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज से तो बिल्कुल रिलेटेड थी नहीं ये, ठीक है। तो ट्रांसलेट करना होता था जब भी इन्हें, तो इन्हें शब्द नहीं समझ आते थे कि कौन सा लिखना चाहिए। एक्चुअल में संस्कृत में होता क्या है कि एक ही चीज के लिए ना बहुत सारे नाम दे रखे होते हैं, तो उसको कैसे प्रोनाउंस कैसे करना है वो भी अलग बात है, ठीक है। तो काफी डिफरेंट और कॉम्प्लेक्स भाषा है, ये नंबर वन बैरियर था। दूसरा था रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस इंडिया के लोगों के काफी अलग टाइप के थे, ठीक है। ये आए हैं उज़्बेकिस्तान से, इन्हें क्या पता इंडिया में क्या क्या किया जाता है। तो संस्कृत के टेक्स्ट जो हैं जितने भी, मनुस्मृति, वेद, पुराण, भगवद्गीता, पतंजलि, इन सारों में जो भी रिलीजियस चीजें लिखी हैं वो काफी डिफरेंट टाइप की थी। उसके बाद तीसरा बैरियर था, लोग बहुत ज्यादा अभिमानी थे, ठीक है, ईगोइस्टिक बहुत ज्यादा थे लोग, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड थे, मतलब कि वो खुद के बारे में ही ज्यादा सोचते थे, सेल्फिश टाइप के थे, और इंसुलैरिटी की फीलिंग थी उनमें, अपने अपने बारे में सोचना, दूसरों के साथ ज्यादा बात ना करना। तो इसकी वजह से भी अल बिरूनी जो है काफी उन्हें फील हुआ कि ये बैरियर है संस्कृत सीखने में, ठीक है। परंतु फिर भी संस्कृत सीखने के टाइम में भी इतनी इन्हें मुश्किलें आई, फिर भी इन्होंने ये सारे जितने भी टेक्स्ट है ना, इन्होंने ये पूरे अच्छी तरीके से पढ़ रखे हैं। तो आप देख सकते हो कि अल बिरूनी जो है काफी हार्डवर्किंग टाइप के पर्सन थे। उसके बाद देखिए अगले टॉपिक पर आ रहे हैं हम, अल बिरूनी का जो डिस्क्रिप्शन है हमारे कास्ट सिस्टम का। आपको पता है कि जो ब्राह्मण के साथ रह रहे हैं, ये पहले के टाइम में आपने पढ़ ही रखा है कि किस टाइप का सिस्टम था। ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, फिर क्षत्रिय आते थे, फिर वैश्याज आते थे, फिर उसके बाद आपके शूद्र आते थे। तो ब्राह्मण्स ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रखी थी। तो इन्होंने कास्ट सिस्टम के ऊपर क्या बोला, इन्होंने कहा जो पर्शिया है, पर्शिया मतलब जो आपकी ईरान है, ठीक है, पुराना ईरान है, उसमें जो है एक टाइप का सिस्टम चल रहा है। पूरी सोसाइटी को चार हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। पहले है नाइट्स एंड प्रिंसेस, नाइट्स होते हैं जिनके पास घोड़े होते हैं, सेना होती है, और प्रिंसेस। सेकेंड टाइप की कैटेगरी थी मंक्स, मतलब जो आपके एक तरह से ज्यादा ही रिलीजियस लोग होते हैं, ठीक है, जो कि भगवान के बिल्कुल करीब होते हैं। फायर प्रीस्ट थे, ठीक है, जो यज्ञ वगैरह करते हैं, और लॉयर्स थे। थर्ड टाइप की कैटेगरी है फिजिशियंस एंड एस्ट्रोनॉमर्स की, फिजिशियन जो कि दवाई वगैरह देंगे, है ना, और एस्ट्रोनॉमर्स जो कि बाहर की बातें, जैसे आपकी राशि में ये चल रहा है राहु वगैरह। और उसके बाद पेजेंट्स लास्ट, और आर्टिसंस का कैटेगरी लास्ट होती थी। पेजेंट मतलब जितने भी आपके मजदूर लोग हैं, और आर्टिसंस मतलब जो आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड काम करते हैं। तो पर्शिया में ये सिस्टम था, इन्होंने ये बताया। पर इन्होंने कहा इंडिया में ऐसा कुछ है ही नहीं है, इंडिया में बिल्कुल अलग है, ठीक है। इंडिया में जो मैंने आपको चार चीजें बताई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस टाइप का जो है एक तरह से स्ट्रक्चर है। इन्होंने बताया इस्लाम में जो है लोगों को काफी ज्यादा इक्वल माना जाता है, ठीक है, लोगों को ऐसे नहीं माना जाता कि ये दोनों जो है अनइक्वल है, ठीक है। इस्लाम में क्या डिफरेंस होता है, सिर्फ क्या भगवान की तरफ को कैसे जा रहे हो, आपका क्या मेथड है, अदरवाइज सारे लोग जो है
ना इक्वल माने जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इंडिया और पर्शिया में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। फिर इन्होंने कहा नेचुरल पोल्यूशन जो है, जैसे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है, उस टाइम पे तो सब कुछ साफ सुथरा था, है ना, अभी जो सिचुएशन है वो बहुत बुरी है। इन्होंने कहा नेचुरल पोल्यूशन एक्चुअल में होता कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि अगर पानी गंदा हो जाता है तो उसके अंदर जो सॉल्ट है वो पानी को खुद ब खुद साफ कर देता है। अगर एयर पोल्यूट हो रही है, जो आपका सन है उसकी रेडिएशन से आपकी एयर जो है वो प्योरीफाई हो जाती है, तो इसकी वजह से पोल्यूशन जैसी चीज एक्चुअल में है कोई नहीं, अकॉर्डिंग टू अल-बिरूनी। फिर उसने इन्होंने कहा कि पर जो सोशल पोल्यूशन जो कि ब्राह्मण्स ने दिया गया है, कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी को बहुत ज्यादा खराब कर रखा है, जैसे कि जो आपके शूद्र हो गए, ठीक है, शूद्रों ने पोल्यूशन कर रखा है पूरी सोसाइटी के अंदर, कि ये ऐसे लोग हैं जो कि अनटचेबल हैं, है ना, चंडाल्स के बारे में आपने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था। तो इन्होंने कहा कि सोल्यूशन, ये जो सोशल पोल्यूशन है ना, वो इस चीज से काफी ज्यादा डिफरेंट है। जो नेचर के लॉज है ना, वो आपके सोसाइटी के लॉज से काफी ज्यादा डिफरेंट है। इन्होंने बताया कि ब्राह्मण्स ने सिस्टम बना रखा है, और कई ऐसे टाइप के लोग भी हैं जैसे कि अंत्यजा हैं, ठीक है, अंत्यजा वो टाइप के लोग हैं जो कि एक्चुअल में सोसाइटी के मेंबर माने ही नहीं जाते, बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन है इनकी, इनके साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन की जाती है। तो इन्होंने ये सिचुएशन जो है पेश की अपने राइटिंग्स में कि कास्ट सिस्टम कैसा है इंडिया के अंदर। तो आपने अब तक पढ़ लिया ऑल अबाउट अल-बिरूनी, ठीक है, आपके स्किम में मार्क्स कटने वाले नहीं है, ठीक है, ये बहुत आसान चैप्टर है, आपको बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्लेलिस्ट का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाय बाय।